करीब से बीज दिखाते हैं। सेम प्रोसेस है वही, जैसे हमने एम्पेशन पटूनिया का डाला, ये भी वही तरीका है। और इसका कोई कलर नहीं है तो हमने इसके पर्ची पे लिखा है कोलियस से लेके सब पे। क्योंकि मिक्स है ना पामनी नहीं। आपको दिखाते हैं, ये देखें, ये इधर से सही नज़र आएगा, किधर से किधर से इधर से इधर से, ये हैं कोलियस के पौधे हमारे पिछले साल वाले। तो भाई वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू ब्लॉग एंड अस्सलाम वालेकुम सबको, दिल की गहराइयों के साथ बहुत ढेर सारा सलाम और बहुत ढेर सारा प्यार। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करके प्रेस दी बेल आइकन, घंटी को दबा दें और ब्लॉग को कर दें लाइक एंड शेयर। पहले मैं इस ब्लॉग को शुरू करने से पहले आपको एक बड़े मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर बड़ी तादाद में, ये देखिए हमारा जहीर, बड़ी तादाद में यहाँ पर अपना बीज डाला जा रहा था, लाखों करोड़ों के हिसाब से, बिलियन मिलियन ट्रिलियन के हिसाब से। यहाँ से दिखा देता हूँ, फिर अगर आप लोग बाद में सुनेंगे, ये देखें अगर आप जाली के आर पार देख सकते हैं तो ये देखें, ये सारे गमले भरे जा रहे हैं वो एंड तक, कहीं से जाली फटी हुई नहीं है, वरना मैं आपको दिखा देता। ये यहाँ से करीब करते हैं ना, ये देखें ये सारे गमले वो एंड तक, सब में पटूनिया एम्पेशन डलेगा। और यहाँ पे आज वाला ब्लॉग जो हमारा काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला, क्योंकि पहले हमने पटूनिया डाला, एम्पेशन डाली, उसके बाद क्या डाला, हाँ ये काफ़ी तादाद में डाला। और आज एक छोटा सा ब्लॉग जिसमें हमने डाला है कोलियस। कोलियस अगर आपने नहीं देखा तो ये थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा ना, थंबनेल के ऊपर मैं लगा दूंगा। तो कोलियस परमानेंट में भी होता है और सीजनल में भी होता है। परमानेंट वाला जो होता है वो सिर्फ सर्दियों में चलता है, जब गर्मी आती है तो वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, ऐसा लगता है कि दरख्त लगाया हुआ आपने। तो परमानेंट वाले की इतनी वैल्यू नहीं है, सीजन वाले की बहुत ज़्यादा वैल्यू, क्योंकि उसमें मल्टीप्लाई कलर्स होते हैं और काफ़ी मल्टीप्लाई वराइटीज़ होती हैं। किंग कॉन्ग कोलियस, दूसरी कोलियस, ड्राफ्ट वाली कोलियस, स्टार वाली कोलियस और छोटे पत्ते वाली कोलियस। यहाँ पे देखो अभी आगे वाला क्लिप देखना आप लोग, और फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कोलियस का बीज डाला कि नहीं डाला। आगे इसके आगे वाला जो क्लिप है उसमें है प्रोसेस के, हाउ टू ग्रो कोलियस सीड्स। भाई एम्पेशन का बीज डालने के बाद आज बारी आ गई है कोलियस का बीज डालने की, जिसका अबू पैकेट कहाँ है, पैकेट दिखाएं ज़रा हमें, पैकेट पर क्या लिखा है। ये है कोलियस जिसका है 5000 दाना, और ये है कोलियस एक्स्ट्रा फायरवे मिक्स, मिक्स में है ये देखिए 5000 दाने। देखो वैसे तो 14-16 गमले में आते हैं, यहाँ हमारे पास कितने गमले अवेलेबल हैं, 2, 4, 6, 8, 10 और 2, 12। मैं आपको इसको ज़रा करीब से बीज दिखाते हैं। सेम प्रोसेस है वही, जैसे हमने एम्पेशन पटूनिया का डाला, ये भी वही तरीका है। और इसका कोई कलर नहीं है तो हमने इसके पर्ची पे लिखा है कोलियस से लेके सब पे। क्योंकि मिक्स है ना पामनी नहीं। बहुत छोटा छोटा बीज है नज़र आ रहा है, एक ही पैकेट है हमारे पास, अभी आएंगे दो तीन पैकेट अभी आने, लेकिन ऐसा ऐसा आ रहे हैं। ये बीज एक साथ नहीं बेचते, सारा थोड़ा थोड़ा करके बेचते हैं। लेकिन ऐसा कुछ लग रहा है कि नीचे गिर रहा है, लेकिन गिर क्या रहा है नज़र नहीं आ रहा कैमरे में। ये एम्पेशन, वो पटूनिया, और इधर सारी 80,000 पटूनिया डला हुआ है और 45,000 एम्पेशन डली हुई, और यहाँ पे 50,000 पटूनिया और 11,000 एम्पेशन, और उसके बाद 5,000 कोलियस। देखो एक लाभ है खुड़ दिन दबाती गमला भी है चाकने में, देखें ये मिट्टी ज़्यादा ऊपर हो गई थी तो वो लेवल कर रहे हैं। देखो ये बीज लगाने के बाद खाद डालने का प्रोसेस, इतनी खाद डालनी है जिससे बीज छुप सके, ज़्यादा खाद डालेंगे तो फिर आपका बीज होगा भी नहीं। हसबे तौफीक हसबे जायका, 2 चाय की चम्मच थोड़ी सी खाद, सीधा सीधा ये। और ये पैकेट है वो छोटा सा जिसमें 5000 दाने थे, ये जापानी लिखी हुई इसमें शायद, स्काटा कंपनी, कहाँ की कंपनी है अबू, ये अमेरिका की है जापान की, क्या ये कंपनी है स्काटा जापान की, इसलिए जापानी लिखी हुई इनके पैकेट में। और ये देखिए खाद डालने का प्रोसेस, खाद भी बारीक हो ज़्यादा मोटी ना हो, अगर मोटी हो तो खराब होगा फिर भी बीज नहीं निकलेगा, इसलिए जितना भी हम ये बीज लगाते हैं सारा सब पे ये छनी हुई बारीक खाद डाली है, जिसका स्पेशल वो कट्टा भरा हुआ है।
अभी कोलियस का हमने एक पैकेट डाला है जिसमें था 5000 दाना और वो आया तकरीबन 12 गमले में। अब आप सोच रहे होंगे कि कोलियस होता कैसे, तो टेंशन नहीं लेनी, हम आपको ये भी दिखा देते हैं कि कोलियस होता कैसे। हमने दिमाग दूसरी मोबाइल में पिछले साल मेरी तस्वीरें पड़ी हुई थी वो आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये इधर से सही नज़र आएगा, किधर से किधर से इधर से इधर से, ये हैं कोलियस के पौधे हमारे पिछले साल वाले। इसमें ये कुछ व्लॉग हमारे, और ये देखो ये हमने कार्टन पैक करके पतोकी लाहौर इस्लामाबाद वहाँ पे भी भेजे थे, ठीक है। ये देखें ये कोलियस है, और ये ऐसा निकलेगा कोलियस, थंबनेल में भी लगा दूंगा ताकि आप देखें और पहचानें। ये देखें तकरीबन 12 गमले इसके लगे हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। ये देखें कोलियस, और फिर वहाँ पे भी कोलियस, ठीक है। वो आ रहा हमारा ज़फ़र वेला बंदा, सुबह से गायब था ज़फ़र। लोग पूछ रहे हैं कि ज़फ़र आज व्लॉग में क्यों नहीं आया, लगता है मोबाइल ले लिया इसीलिए मसरूफियत ज़्यादा है ना। इतना बीज डाला कि अपनी नर्सरी में जगह कम पड़ गई। वो तेरी, उसमें क्या लगा रहे हो फिर, अगला व्लॉग वहाँ पे आएगा, अगला व्लॉग वहीं आएगा कल इंशाल्लाह, पटुनिया डालेंगे वहाँ पे भी। पटुनिया जी हाँ, आज वहाँ लेवल कर रहा हूँ बस एक। यहाँ पे 80,000 पटुनिया डाला है, और इस पर वो एहतियातन वो भी डाल दिया अपना पाउडर चींटियों को भगाने वाला। वहाँ पे कितना फिर अपना पटुनिया डालोगे तकरीबन, दो तीन लाख हो जाएगा। गमला भी तो नहीं मिल रहा हमें, फिर उसका क्या करेंगे, 40-80 हमने इतना बीज मंगा लिया तकरीबन लाखों के हिसाब से, 75,000 डालेंगे वहाँ पे। ये गमला शार्ट हो गया, पहले हमने स्पेशल मंगाया, स्पेशल ख़त्म हो गया। देखो मैं आपको सारे स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ, पहले स्पेशल मंगाया, स्पेशल ख़त्म हो गया, फिर हमने मंगाया 12 इंची ख़त्म हो गया, फिर 10 इंची मंगाया, 10 इंची भी अब ख़त्म हो गया। देखते हैं अब किस में लगाते हैं, ऐसा ना हो कि छोटी प्यालियों में बीज लगाना पड़े, क्योंकि सारी नर्सरियों वाले बीज लगा रहे तो गमला मार्केट से बिल्कुल शार्ट हो गया। ऐसे ना ज़फ़र, और ये क्या पहना हुआ है, ये बनैन है। ये कौन सी बनैन है, बनैन तो वाइट कलर की होती है, यही वाइट ये इसको भाई। कोलियस का बीज भी डाल के प्रोसेस हमने कंप्लीट कर दिया, बस पानी लगाना है उसको। ये देख रहे हैं आसे पासे जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ये बीज लगा हुआ है, और अभी तो बड़ी तादाद में आप लोगों को दिखाना है। फिलहाल इस कोलियस वाले ब्लॉग को भी एंड करते हैं, क्योंकि आगे नया ब्लॉग बनाना है। लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट वगैरह वगैरह सब कुछ कर देना, बाकी खुदा हाफिज़।